हाय गाइज, अपनी हर बड़ी एक्सक्लूसिव खबरों के लिए ए टू जेड न्यूज लाइव चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, साथ में बेल आइकन भी दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ए टू जेड न्यूज लाइव और हम हाजिर हो गए हैं अब तक की टॉप खबरों के साथ। गुजरात में बिहारियों तथा उत्तर भारतीयों के खिलाफ भड़की हिंसा पर बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए आज कहा कि कांग्रेसियों के इशारे पर इस घटना को अंजाम दिया जा रहा है। उन्होंने गुजरात के डिप्टी सीएम से भी बात की तथा इस पर रोक लगाने की मांग की। मुजफ्फरपुर जिले के औराई थाना क्षेत्र के राजखंड गाँव में बीती रात चोरों ने भीषण चोरी की घटना को अंजाम दिया। सुबह पुलिस को सूचना दी गई जिसके बाद औराई थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। घटना में स्वान दस्ता की टीम को मौके पर बुलाया गया तथा लगातार इस मामले में खोज अभियान जारी है। करीब 20 लाख की संपत्ति चोरी की गई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। इस घटना के बाद लोगों में नाराजगी का माहौल है। बांका जिले के शंभुगंज प्रखंड के तिलडीहा दुर्गा मंदिर में चाक चौबंद व्यवस्था होगी। दशहरा के दौरान खास करके उचकों पर गहरी नजर रखी जाएगी। शांति समिति के आज हुई बैठक में डीएम एसपी ने इस संबंध में खास निर्देश दिए हैं। लोगों की खास मौजूदगी थी। जमुई जिले के चकाई में आज रेशम जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया जिसका उद्घाटन डीएम डीडीसी तथा स्थानीय विधायक के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लाभुकों में उपस्कर का भी वितरण किया गया। कार्यक्रम के दौरान लोगों की अच्छी खासी भीड़ थी। स्टॉल भी लगाए गए थे। लोगों में खास उत्साह दिखा। मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट बेनीबाद पियर हत्था सकरा आदि थानों में आज जन संवाद गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान इलाके में विधि व्यवस्था को लेकर रणनीति बनाई गई। बताया जाता है कि नए एसएसपी के निर्देश पर यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। बिहार के नवादा जिला क्षेत्र से एक शर्मसार करने वाली घटना की खबर सामने आ रही है। बताया जाता है कि प्रेम प्रसंग के एक मामले में यहां एक लड़की को पंचायत के तुगलकी फरमान के बाद सरयाम पेड़ से कई घंटे तक बांध कर रखा गया जिसके बाद लड़की की तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ गई। घटना की सूचना जब पुलिस को मिली तो पुलिस की पहल पर लड़की को बंधन मुक्त किया जा सका। घटना से लोगों में नाराजगी है। अब बात जरा हटके कर लेते हैं। बंदरा प्रखंड के मछारण मध्य विद्यालय की यह प्रधानाध्यापिका आपको तस्वीर में स्पष्ट रूप से दिख रही है। आपको बता दें कि बिहार में रसोईया संघ इन दिनों हड़ताल पर हैं। स्कूलों में मध्यान्ह भोजन बंद पड़ा है या येन केन प्रकारेण चलाई जा रही है। बच्चों की खाने की गारंटी नहीं है। इसे देखकर इस प्रधानाध्यापिका को काफी अफसोस लगा तथा खुद से मध्यान्ह भोजन का निर्माण कर बच्चों में परोस दी। इस बारे में ए टू जेड न्यूज लाइव से बातचीत में इस प्रधानाध्यापिका ने बताया कि कई बच्चे स्कूल भूखे आते हैं तो कई गरीब होने के कारण आधे पेट खा के आते हैं। यह मजबूरी नहीं देखी गई है। उन्होंने यह कदम उठाया। बहरहाल इस महिला एचएम की यह कहानी घर घर चर्चा का विषय बन गया है तथा हर जगह से इन्हें सराहना मिल जा रही है। अधिकारियों ने भी इनके इस कार्य को सराहना दिया है। यह थी अब तक की तमाम बड़ी खबरें। आप देश और दुनिया और गांव से शहर तक की हर बड़ी ब्रेकिंग एवं एक्सक्लूसिव खबरों के लिए अपने पसंदीदा चैनल ए टू जेड न्यूज लाइव को कभी भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।